पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शनिवार को चक्कर की मिला कि स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का संचालन जिलाध्यक्ष राजीव सिंगल ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी के आदेश पर 6 विधानसभा पर जाकर पार्टी के कार्यकर्ता योजनाओं को बताकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। सभी कार्यकर्ताओं को कार्यप्रणाली समझा दी गई है। बैठक में मुख्य रूप से कुनरकी के विधायक हाजी रिजवान, जिलाध्यक्ष राजीव सिंगल, महेंद्र सिंह आदि लोग भी मौजूद रहे। कष्टकार नहीं होने देना चाहता, हम सबके सब हमेशा इस जज्बे के साथ एक दूसरे का एहतराम करते रहे और इस पार्टी से जुड़े रहे, इसके लिए काम करते रहे। कई लोग से मेरा तात्पर्य है हमारी पार्टी से अलग दूसरी पार्टी के लोग, अन्य दलों के लोग, ये उनकी हरकतें हैं। और देखिए, जो पार्टी इस समय देश में और प्रदेश में सत्ता में काबिज है, वो दूसरे दलों में भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसे बहुत से काम अभी पीछे किए गए हैं, आप लोगों की जानकारी में है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात ये भी कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी हमेशा मजबूत थी और आज और ज्यादा मजबूत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से छला है लोगों को, हमारी मजबूती से ये लोग घबरा रहे हैं, उस कारण ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे एक जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हो। अध्यक्ष जी, नए साल में पहली बार मासिक बैठक हो रही है, क्या कहना चाहेंगे पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जनपद वासियों से? चुनावी मौसम है, बहुत जल्दी चुनाव आने वाले हैं। आज की मासिक बैठक में भी यही बात हुई कि हमें अपनी सारी उपलब्धियों को और इस सरकार की कमियों को जन जन तक पहुंचाना है, और हमने पूरे ज़िले के अपने सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि जिसको पार्टी नेतृत्व टिकट दें उसको एकजुटता के साथ जिताकर भारी मतों से जिताने का काम करें। धन्यवाद।